ही गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो यहाँ पे बारिश हो रही है, बाहर से मैं आ रही हूँ और इधर मेरे कपड़े डले मशीन में चला गया 5 का सिक्का। शो मशीन हो गई अभी बंद और मैंने कपड़े निकाल दिए। इधर मुझे बनाना है अभी खाना, सो फटाफट से मैं इधर बनाने जा रही हूँ खाना। और उसमें कपड़े डले हुए क्योंकि सुबह सुबह मुझे धुल रही थी पापा के कपड़े, तो उसमें से चला गया सिक्का। अब बीच बीच में मैंने फिर पहले कपड़े निकाले क्योंकि मशीन घूम नहीं रही, पहले मैं इसमें सब्जी छोंक देती हूँ, उसके बाद मैं मशीन को देखती हूँ कि इतने ज़्यादा कपड़े और बारिश भी हो रही थी अभी। सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो प्लीज़ 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 आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी और उधर की साइड भी बन रही है मेरी मम्मी की, नहीं तबीयत ठीक तो उनको बिल्कुल खट्टा नहीं खाना है, तो उनके लिए अलग सब्जी बना रही हूँ मैं। तो उसमें कुछ खटियाई वटियाई कुछ जाने वाली नहीं है, सो ऐसे ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाना है उनके लिए। ऐसा होता है घर में कोई बीमार पड़ जाए तो फिर कुछ नहीं, सिर्फ मुझे घी में थोड़ा सा चौका लगाना है। उनके लिए बनाई है मूँग की दाल, तो सिर्फ एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा लौंग, लौंग गर्म रहती है तो लौंग से चौका लगा दूँगी मैं। सो यहाँ पे मैं फटाफट बना लेती हूँ सब्ज़ी। और मैं यहाँ पे ना मेरा प्याज लहसुन भूज गया था, मैंने डाल दिया था, मैंने नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। सो यहाँ पे फटाफट से भूज लेती हूँ। उधर ना मेरे कपड़े का पूरा मशीन में हो रहा है पानी पानी। सुबह का टाइम जल्दी होना वो काम में काम फैलता है, ऐसा किस किस के साथ होता है, मेरे साथ होता है। मशीन में इतने अच्छे से साफ़ करो सब करो बट आज उसमें 5 का सिक्का चला गया, तो नहीं देखती हूँ वैसे घर पे हो जाएगी, इनको बुला लाया मैंने ऊपर से, सो उसमें से सिक्का निकाल लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा नहीं करना, जल्दबाजी में कपड़े धोने डालो और उसमें कुछ ना कुछ हो ही जाती है जल्दी के चक्कर में गड़बड़। सो फटाफट से हाँ मैं अभी ना कभी कभार ना आलू को बगैर छील के बनाऊँ बहुत टेस्टी लगते हैं, तो यहाँ पर मैंने सारे आलू कट कर लिए और मैंने आलू को छीला नहीं है, बगैर छीले बनाए हैं। कभी कभार ना बगैर छिले हुए आलू जैसे भंडारे में सब्जी लगती है इस तरीके से लगती है। यहाँ पे मैं सारे सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ, कुछ नहीं, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, बस यही चीज़ें ऐड करूँगी। और यहाँ पे क्या है, मैंने दाल बनाई है ना तो भगवान जी का भोग उसमें लग जाएगा। अभी मॉर्निंग का समय है, जब मैं 2 सब्जी बनाती हूँ तो फिर भगवान जी एक सब्जी में प्याज डाल देती हूँ, जब मैं 1 सब्जी बनाती हूँ तो उस दिन प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ। सो यहाँ पर फटाफट से मैं मसाला भूंज लेती हूँ और साथ में यहाँ पे मैं डाल देती हूँ गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और मेरी मैं अभी मैं आपको बताती हूँ उधर के साइड मेरा क्या बन रहा है। सो बस उसमें मुझे लगाना है छौंका, यहाँ पे थोड़ा मसाला भुन जाए। सो यहाँ पे फटाफट से मैंने आलू मटर धुल के डाल दिए, फटाफट से मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स और इसमें डाल देती हूँ नमक। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि उधर क्या बन रहा है, उसमें अभी वेट वेट वेट। सो इसमें मैंने डाल दिया पानी क्योंकि पहले कपड़े मेरे चल रहे हैं, वो कपड़े रखे हुए हैं उन पे मेरा ध्यान है कि पूरे में पानी फैल रहा है। सो यहाँ मैं बताती हूँ चलो आपको पास से। सो ये हरी मिर्ची डाल दी है, यहाँ पे मैंने लौंग को कूट के डाल दिया है और इस सब्जी में भी थोड़ी सी मैंने लौंग को डाल दिया है क्योंकि लौंग रहती है गर्म। अभी बारिश भी हो रही है और ठंड गर्मी का कोई पता नहीं पड़ रहा है, अभी ठंडक सी हो गई है। इसमें लौंग और ये मम्मी के लिए बनी हुई है दाल, इसमें हरी मिर्ची और खाली लौंग का मैंने छौंका लगा दिया है। तो दाल ना लौंग से बहुत अच्छी लगती है और लौंग गर्म भी रहती है, इस वजह से मैंने इसमें लौंग को डाला है। सो कौन कौन सब्जी में लौंग डालता है, जब सर्दियों का टाइम रहता है तो मैं 100% लौंग में छौंका लगाती हूँ, सो ज़रूर बताना। तो इसमें थोड़ी सी मैं दाल डाल देती हूँ, इसमें थोड़ा सा जीरा रह गया था और मेरा फ्राई पैन काफ़ी पुराना है, टूट गया। ये मेरी दाल बनके रेडी हो गई है और अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। ये मेरा आटा भी लगा लिया है, सब्जी को ना मैं दूसरे गैस पर रख देती हूँ क्योंकि सब्जी में अभी टाइम है, पापा को हो रहा है लेट, उसके बाद मुझे मशीन में देखना है। सो पहले फटाफट से मैं सब्जी का नहीं है, पापा दाल भी खा लेंगे, सिर्फ 2 रोटियां खा के जाती हैं नाश्ते के तौर पे और लंच में रख दूंगी मैं सब्जी। जब तक मैं पापा के लिए रोटियां सेकूँगी, पहले भगवान जी का भोग लगाऊंगी फिर पापा के लिए रोटियां सेकूँगी, जब तक मेरी आलू मटर की सब्जी बन जाएगी। सो यहाँ पे ना क्या कर रही हूँ, ये है घी का डिब्बा, इसमें थोड़ा गाय की रोटी निकालते तो उस पर, और भोग में भी भगवान जी के मैं रखती हूँ मैं थोड़ी सी शक्कर, तो यहाँ पर मैंने ले ली है शक्कर। और यहाँ मेरी पूजा हो गई, मैं मंदिर भी होके आ गई, थोड़ा सा बड़े डिब्बे से छोटे डिब्बे में घी ऐसा होता है क्योंकि ये पूजा वाला घी है तो आटे के हाथ नहीं लगे, तो इस वजह से इसको मैं अलग रखती हूँ यहाँ पे। और
यहाँ पे मैं पहले रोटियाँ सेक लेती हूँ। सबसे पहले लगने वाला है भगवान जी का भोग, उसके बाद रोटी की टेंशन नहीं रहती, बस पापा का लंच रेडी हो जाता है, उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं आराम से खाना बनाती हूँ। अभी ना जल्दी जल्दी रोटियाँ भी मैं सेक के नहीं रखती, तो पहले मैं भगवान जी के लिए कर लेती हूँ दाल को ठंडा। जब तक मैं रोटियाँ सेकूँगी, थोड़ा सा मूँगी दाल में घी डालूँगी, क्योंकि जब आप खाते हो ना वैसे ही, उससे भी अच्छा भगवान जी को खिलाना चाहिए। अपने पास इतना है कि हम खिला सकते, भगवान जी का ही है सब, अपना कुछ नहीं है। सो यहाँ पे मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटी। सबका अपना अपना रहता है, कोई कोई ना बगैर नहाए खाना बनाता है, पर अगर हो सके तो किचन में ना जाओ बना बगैर नहाए, बट सबका अपना अपना रहता है। कोई नहा के, हमारे यहाँ पे ना सुबह बच्चों का लंच मैं बगैर नहाए बनाती हूँ, फिर दोबारा 10 बजे पापा जाते हैं, फिर दोबारा नहा के किचन को क्लीन करके फिर से मैं नहा के खाना बनाती हूँ। सबका किसी से हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो बस कुछ भी करो, काम अपने मन से करो। जरूरी नहीं है कि, आजकल बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि हेल्थ इशू रहता है तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं नहा पाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे, वो गलत है। अगर किसी से नहीं बन पा रहा है सुबह सुबह नहा के खाना बनाना, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट कोशिश करो आप नहा के खाना बनाओ। बट सर्दियों में किसी को हेल्थ का इश्यू हो जाता है, तो इस वजह से बहुत से लोग ना बगैर नहाए खाना बनाते हैं, तो लोग उसमें भी बातें बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं नहा के बनाती हूँ तो सामने वाले के बारे में कुछ बोलूँ, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो बगैर नहाए खाना बनाती है। तो यहाँ पे गाय का मैंने थोड़ा सा, पता नहीं, मेरी मम्मी गाँव में करती थी, चूल्हे में दे देती थी थोड़ा सा गाय की रोटी को निकाल के, तो यहाँ पे मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। अब ये मैं रोटियाँ सेक रही हूँ भगवान जी के भोग के लिए। सो फ्रेंड, सबसे पहले जो नहाने के बाद जो भोग की, भगवान जी की जो थाली होती है, वो सबसे पहले भगवान जी के लिए लगाई जाती है, फिर बाद में किसी को दिया जाता है। तो फूली फूली सी रोटियां मैं लगा लेती हूँ भगवान जी का भोग। ये मेरी हो गई भगवान जी की थाली रेडी। फिर इसके बाद पापा को दूंगी खाना और उनका लंच बॉक्स भी लगा। सो फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। सो बाय दोस्तों।